आई एम सी ए वर्धमान डागा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। जैसे कि मैंने आप लोग को शेयर किया था कि मैं सी ए सी एस और सी एम ए से रिलेटेड वीडियोज़ भी लाने वाला हूँ, आज की वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स का, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 पढ़ाने वाला हूँ। अब आप बोलेंगे सर, इससे पहले के जितने भी सेक्शंस और पीछे के जितने भी कंसेप्ट्स और चैप्टर्स हैं, क्या उनकी वीडियो हमें नहीं मिलेगी? आपको उनकी वीडियो भी मिलेगी। आपको ये सब जो पीछे की वीडियोस है वो सब बाद में मैं अपलोड कर दूंगा। अभी मैं इस वीडियो से इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अभी बेसिकली इंडिया में पूरे कोरोना वायरस चल रहा है, जिसके कारण हमें इंस्टीट्यूशंस बंद करने पड़े हैं। तो अभी मैं जहाँ पर पढ़ाता था वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स अभी इस सेक्शन में, तो मैं इसी सेक्शन से वीडियोस डाल रहा हूँ। आगे मैं पूरे वीडियोस डालते रहूँगा और बाकी जितनी वीडियोस पीछे के चैप्टर्स की जितनी भी वीडियोस हैं वो सब मैं आगे अपलोड कर दूँगा। चलो फ्रेंड्स, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि इनकम टैक्स में सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 क्या बोलता है। देखिए, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी बंदा किसी को भी 10,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकता। कोई भी बंदा किसी को भी 10,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकता। फिर आपके मन में क्वेश्चन आया, सर अच्छा एक आदमी को अपन 10,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, सर दो अगर आदमी रहे तो क्या चलेगा? दो अलग अलग अगर आदमी है तो भी आप 10,000 से ज़्यादा एक इंडिविजुअल पर्सन को कैश में पेमेंट नहीं कर सकते इन अ डे। तो कोई भी एक पर्सन को अपन 10,000 से ज़्यादा एक दिन में कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है PGBP का। आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब सर आपके मन में क्वेश्चन आया, सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पर्सन को आज 9,000 दें, कल 9,000 दें, परसों 9,000 दें, क्या ये हम कर सकते हैं? हाँ, आप ये कर सकते हो। आप एक बंदे को एक दिन में 9,000 पेमेंट कर सकते हो, कल भी उसको 9,000 पेमेंट कर सकते हो, परसों भी 9,000 पेमेंट कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, अगर हमको किसी को 50,000 या 60,000 पेमेंट करना है तो हम इसको ऐसे ही प्रोपोर्शनेट करके उसको कैश में पेमेंट कर लेते हैं। देखो, आप अगर इसको छोटे लेवल पे सोचोगे 50-60,000 या 30-40,000 पेमेंट, तो आप इसको 3-4-5-10 दिन में प्रोपोर्शनेट कर पाओगे। आप उनका सोचिए जिनको करोड़ों पेमेंट करना है किसी को। अब वो जिनको करोड़ों पेमेंट करना है वो कैसे एडजस्टमेंट करेगा? अब वो अगर ऐसे ही 10,000 से कम अगर यही पेमेंट पे लगा रहा रोज, सोचो उसकी कितनी सारी पार्टीज होगी और कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कितने सारी चीज़ें, कितनी एंट्रीज याद रख पाएगा। तो प्रैक्टिकली सरकार को भी पता है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कोई आदमी यही चीज़ नहीं करने बैठा है, रोज दिन के बिल बनाए 9,000 का, फिर उसको दे, फिर अगले दिन का 9,000 का बनाए उसको दे। तो सरकार ने बोला कोई भी बंदा जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, एग्रीगेट 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टू अ पर्सन इन अ डे। एग्रीगेट मतलब मिला के। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है सर अगर ये वर्ड नहीं होता तो कई लोग क्या सोचते हैं, सर एक काम करते हैं ना, अपन एक बिल बनाते हैं 8,000 का, अगला बिल बनाते हैं 6,000 का। सर तो इसीलिए सरकार ने बोल दिया हम एग्रीगेट देखेंगे भैया, कि आपका एग्रीगेट 8 और 6 मिला के 14 हो गया है, तो ये तो 10,000 से ज़्यादा है। अगर आपने 10,000 से ज़्यादा कोई भी कैश पेमेंट किया किसी को भी, तो आपका वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउ होने का मतलब, सर जो PL अकाउंट में अपन डेबिट साइड में डाले हैं ना, वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, उसको डेबिट साइड से हटा देंगे। इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर आपका नेट प्रॉफिट बढ़ा तो फिर आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो सर फिर हम कैसे करें किसी को पेमेंट? अब देखो, पेमेंट करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। सरकार ने खुद बताया कि क्या क्या तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। सरकार ने बोला आप अकाउंट पे ही चेक से कर लो, मैं बोला ठीक है भाई। फिर बोले अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से कर लो, ये भी चलेगा। उसके बाद बोले इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट, मैं बोला ये कौन सा होता है? तो सरकार बोली NEFT कर लो, RTGS कर लो, ये भी चलेगा। मैं बोला ठीक है। फिर सरकार एक अमेंडमेंट लाई, फाइनेंस एक्ट 19 में एक अमेंडमेंट आया है, थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कोई और इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब मन में क्वेश्चन आया, सर ये और क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड हो सकता है जिसको सरकार प्रिस्क्राइब करे? और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आजकल अपन PayTM यूज़ करते हैं, ठीक है, फ़ोनपे यूज़ करते हैं, UPI ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ये सब भी इसमें कवर्ड है। अगर आप इन सब से भी किसी को पेमेंट करते हो 10,000 से ज़्यादा तो चलेगा। अब बात होती क्या है, सर मान लो अगर कोई मैंने एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा किया है, और अगर मैंने PL अकाउंट में डाल दिया, तो क्या वो खर्चा मुझे अलाउ होगा? नहीं,
वो खर्चा मुझे अलाउ नहीं होगा। अगर आपने कोई भी अलाउंस क्लेम करिए, मान लीजिए आपने कोई भी अलाउंस क्लेम करिए, किसी भी अलाउंस के लिए खर्चा किया होगा और 10,000 से ज़्यादा कैश में खर्चा कर दिया होगा, तो सरकार बोलती है वो अलाउंस हम कैंसिल कर देंगे आपका और उसको PGBP में, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में, उसको डीम्ड इनकम मान लेंगे। तो ये हमारे लिए नुकसान है। इसीलिए कभी भी ध्यान रखिएगा कि हमें 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट नहीं करना है। फिर सरकार बोली कि जो ट्रांसपोर्टर लोग हैं ना, उनको 35,000 की लिमिट मिलेगी। मैं बोला यार सरकार, ये कौन सी बात हुई यार, आप 35,000 की लिमिट ट्रांसपोर्टर को देते हो, मुझे 10 दे रहे हो और सरकार आप 35,000 ट्रांसपोर्टर को देते हो। सरकार मेरे को बोली सुन, जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उन्हें पेमेंट करना रहता है जैसे ट्रक वाले लोग रहते हैं, अब माल लोडिंग और अनलोडिंग करने वाले लोग हैं, प्रैक्टिकली इनको अगर आप चेक में दोगे तो ये लोग बोलेंगे अरे भैया हमें चेक नहीं चाहिए, हम कब जाएंगे बैंक में लगाएंगे, कब खाते में पैसा आएगा, हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो सरकार को पता है कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर बहुत ही मीडियम और लोअर क्लास पीपल जो वर्क करते हैं उन्हें कैश की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पर कैश में सबसे ज़्यादा लेन देन होता है, क्योंकि कोई भी गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग, ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी, इसीलिए सरकार ने उनके लिए 35,000 की लिमिट रखी है। तो आप बोलोगे सर क्या ये 35,000 सिर्फ ट्रांसपोर्टर के लिए? हाँ, ये 35,000 सिर्फ ट्रांसपोर्टर के लिए, बाकी पूरे जितने भी लोग हैं सबको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते। इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लिएगा कि हम 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स? इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 सिंपल भाषा में ये बोलता है कि 10,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं करना, एक पर्सन को एक दिन में एग्रीगेट के फॉर्म में देखा जाएगा। सर अगर ट्रांसपोर्टर हुआ तो 35,000 कर लो, बाकी और किसी में 10,000 से ज़्यादा आप नहीं करना, ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स, ध्यान रखना, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस प्रोविज़न का, इस सेक्शन का एक्सेप्शन बताने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।